प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना सद्भावना एक भारत श्रेष्ठ भारत पर आधारित भव्य समारोह का आयोजन 15 फरवरी को इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन IMF दिल्ली एवं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में ताजबाग में किया गया है। ये कार्यक्रम राज्यसभा सांसद और इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन IMF के कन्वीनर सतनाम सिंह संधु, IMF के संस्थापक हिमानी सूद एवं अजमेर दरगाह शरीफ के गद्दीनशील सलमान चिश्ती के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न होगा। इस श्रृंखला में आज नागपुर में सभी मान्यवरों का आगमन हुआ। इस दौरान सांसद सतनाम सिंह संधू ने पत्रकारों से संवाद साधा, आइए डालते एक नजर। पहली बात तो हमारा सौभाग्य है कि इस पावन पवित्र भूमि पे पहली बार आने का अवसर मिला है, और जैसे आपने कहा कि कल का जो कार्यक्रम है वो स्पष्ट है, अपने आप में अपने थीम से स्पष्ट है कि अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक दुआ करने जा रहे हैं। उनके साथ जो मोहब्बत है माइनॉरिटीज के लिए, उन्होंने जो आउटरीच किया है, जो आगे बढ़ के उन्होंने माइनॉरिटी को अपने गले लगाया है और उसके बदले में माइनॉरिटीज की भावनाएं हैं, और पहली बार हुआ है कि देश की सारी माइनॉरिटीज जो हैं 6 माइनॉरिटीज वो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भरोसा प्रकट कर रही हैं। और उसकी वजह है कि हमेशा ही मोदी जी ने टाइम टू टाइम हर एक माइनॉरिटीज़ के कंसर्न्स को लेके आगे होके उनकी बात सुनी है, उनको गले लगाया है। आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले हमारा अजमेर शरीफ का उर्स का बहुत बड़ा एक त्यौहार है, जो एनुअल त्यौहार है मुसलमान भाइयों का, सूफीवाद का। मेरे साथ चिश्ती भाई भी हैं, सलमान चिश्ती जी भी जहाँ पर उपस्थित हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से दरगाह के लिए चादर भेजी और मुसलमान भाइयों को अपनी मोहब्बत का संदेश दिया। सलमान चिश्ती जी अजमेर शरीफ से मेरे साथ हैं। इसके बाद क्रिसमस का दिन आया, तो क्रिसमस के दिन पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री जी के निवास पे देश भर के टॉप क्रिश्चियन लीडर जो है, जो स्पिरिचुअल लीडर, उनको बुलाया गया और क्रिसमस उनके साथ सेलिब्रेट किया गया। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे पहले सिखों के लिए दुनिया भर के सिखों को अपने घर पे बुलाया और उनको सम्मान दिया, उनको गले लगाया गया, उनके बात की गई। ऐसे ही बाकी माइनॉरिटी, जैन कम्युनिटी है, हमारे पारसी भाई हैं, सभी को साथ लेके चलने का जो वादा किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको प्रत्यक्ष रूप में वो करके दिखा रहे हैं कि ये कहने की बात नहीं है। आज उसी भावना को लेके इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने नागपुर की इस पावन पवित्र धरती पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे दोनों साथी, हमारे भाई हमारे साथ हैं, प्यारे खान जी और सलमान चिश्ती जी, जिनकी नेतृत्व में कल को एक बहुत बड़ा जन समूह जो है हमारे मुस्लिम भाइयों का इकट्ठा होगा। और हमारा मकसद जो है इस देश की एकता, अखंडता और देश की मजबूती, जो हमारे देश का सोशल टेक्सचर है जिसमें सारे धर्म, सारी जातियां इकट्ठी मिलकर रहती हैं, हमारे देश की जो रूह है, हमारे देश की जो सोल है, जो आत्मा है, वो सर्वधर्म की आत्मा है जिसमें सारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत में रहते हैं। उस मोहब्बत को मजबूत करना, उस मोहब्बत की कड़ी को मजबूत करना हमारा ये एक मिशन है, उसको लेके हम आज यहाँ पे नागपुर पे पहुँचे। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।